गाइस वेलकम टू हेल्थ टॉक। तो आज हम डिस्कस करेंगे ब्लैक फंगस, जो कि आजकल न्यूज़ में जिसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा अलग केसेस उसके बढ़ रहे हैं। सो ये ब्लैक फंगस होता क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस ब्लैक फंगस डिजीज का अनदर नेम जो है वो है म्यूक्रोमाइकोसिस, एंड इसको जाइगोमाइकोसिस भी कहते हैं। और ये कॉज होता है, इसे जो एक फंगस होता है नेमली म्यूक्रोमाइसाइट मोड, तो उससे ये होता है। एंड ये जो मोस्टली ये फंगस होता है, ये आपको आपको मिलेगा लीव्स में, पत्तियों में होता है, गली सड़ी पत्तियों में होता है, कंपोस्ट जो होती है उसमें होता है, एंड ये मिट्टी में भी होता है, और जो ख़राब हो रही लकड़ी होती है तो उसको भी होता है। तो अगर आप इन चीज़ों को हैंडल करते हैं, कंपोस्ट को, मिट्टी को, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल कि वहाँ ये फंगस होता है। एंड ये फंगस जो है ये काफ़ी सीवियर इन्फेक्शन कॉज करता है। यू टू बी वेरी कॉशियस रिगार्डिंग दीज थिंग्स इफ यू आर हैंडलिंग दीज थिंग्स। एंड ये जो म्यूक्रोमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस नाम की जो डिजीज़ है, दिस इज़ वेरी डेंजरस। अगर ये कंट्रोल ना की जाए, इसको टाइम पे आप डॉक्टर के पास ना जाएं, तो ये आपकी डेथ भी कॉज कर सकती है, पैरालिसिस कॉज कर सकती है, न्यूमोनिया कॉज कर सकती है, एंड सीजर्स भी कॉज कर सकती है। आपकी आँखों की रोशनी जा सकती है, आँख ख़त्म हो सकती है, नाक की हड्डी ख़त्म हो सकती है। तो ये सब चीज़ें ये कर सकती है अगर आपने टाइमली इसको डॉक्टर को नहीं दिखाया। तो ये आप में कैसे एंटर करता है? तो ये टू वेज से एंटर करता है। वन इज थ्रू ब्रीथिंग एंड अनदर इज थ्रू स्किन। सो ब्रीथिंग से ये कैसे जाता है? तो ब्रीथिंग में अगर आप तो उस एरिया में जैसे जहाँ जहाँ भी आपको बताया है, ये कंपोस्ट में होता है, मिट्टी में होता है, गली गली इसमें वुड में होता है, जहाँ जहाँ भी ये होता है, अगर आप उस एरिया में काम कर रहे हो और वहाँ पे आपने इस मोल को इनहेल कर लिया, तो ये ब्रीथिंग के थ्रू आपके अंदर जाते हैं। एंड कई बार होता है कि एसी कूलर वगैरह जिनमें कई बार फंगस लग जाती है, आपने नहीं ध्यान दिया, रेगुलर क्लीनिंग उसकी नहीं करवाई टाइम टू टाइम आफ्टर सिक्स मंथ्स, तो उसमें भी ये लग जाता है। बरसात के मौसम में ये फंगस बहुत लगता है, तो यू नो इट आपको टाइम टू टाइम क्लीनिंग करनी होगी इस चीज़ों की, ताकि उनमें ये फंगस ना लगे। तब किसी से ये एसी की हवा आ रही है, कूलर की हवा, तो इनहेलेशन के थ्रू लग जाता है अगर आपके एसी या कूलर में ये फंगस लगा हुआ है। तो आपको उसकी टाइम टू टाइम क्लीनिंग उन चीज़ों की करनी होगी। तो स्किन के थ्रू ये कैसे जाता है? स्किन के थ्रू अगर आपकी स्किन में कोई कट लगा हुआ है, बर्न हुआ है, कोई इंजरी हुई है, ब्लिस्टर्स हुए पड़े हैं, अल्सर्स हुआ है, तो उस एरिया जो इंजर्ड एरिया है, ये प्रॉब्लम वाला एरिया, उस पर अगर ये मोल्ड उसके टच में आ जाता है, तो ये फिर स्किन के थ्रू एंटर करता है। और एक बार स्किन में ये एंटर कर गया, तो स्किन के किसी भी पार्ट को ये इफेक्ट कर सकता है। एंड जो रेस्पिरेशन के थ्रू जाता है, वो पहले नोज में, साइनसिस में जाता है, देन उससे आगे ये आपके आईज में जाता है, आपके फेस पे जाता है, आपके देन लंग्स पे जाता है, एंड देन ये आपके ब्रेन में ही जाता है। तो नेक्स्ट इसी की इसके सिम्टम्स हैं। तो इसके सिम्टम्स हैं लाइक कि आँखों में सूजन कर सकती है, नाक से पानी आ सकता है काफ़ी, जो कभी कभी ब्लैकिश रंग का हो सकता है, या ब्लैकिश टेंट उसमें हो सकता है, एंड कफ हो सकता है, फीवर होता है, इसमें हेडेक भी हो सकता है, नेजल कंजेशन हो जाता है, लाल आँखें भी हो सकती हैं। एंड अगर आपको स्किन की इन्फेक्शन हुई है, तो आपको अल्सर हो सकता है, ब्लिस्टर हो सकता है, फीवर हो सकता है, एंड उस जगह की स्वेलिंग, टेंडरनेस, और मेन जो सबसे आइडेंटिफाइंग जो सिम्टम होगा स्किन में अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तो वो एरिया जो है वो ब्लैकिश होगा। कि वो कौन से लोग हैं जो फंगल इन्फेक्शन पे सबसे ज़्यादा रिस्क पे हैं, जिनको ये बहुत ज़्यादा रिस्क है कि उनको ये फंगल इन्फेक्शन हो सकती है, सो उनमें उस कैटेगरी में आते हैं ये लोग। सो नंबर वन, वो जो करोना सफरर हैं, अभी ठीक हुए हैं करोना पेशेंट, सो उनकी इम्यूनिटी भी क्योंकि पहले कम थी, उसी वजह से उन्हें करोना हुआ। सो एक तरह के इम्यून वीक इम्यूनिटी वाले हैं, तो वीक इम्यूनिटी वाले जो लोग होते हैं, उनमें ये फंगल इन्फेक्शन होने का सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। सो रिसेंटली अभी देखा गया है, जो कोरोना से रिकवर हुए हैं, तो वो अपने
ब्लैक फंगस में चले गए हैं। एंड डायबिटिक पेशेंट जो है वो भी, उनको भी ब्लैक फंगस होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि उनकी भी इम्यूनिटी कम होती है। कैंसर वाले पेशेंट्स की इम्यूनिटी कम होती है, उनको भी ब्लैक फंगस होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। म्यूक्रोमाइकोसिस एंड जो लोग HIV एड्स के पेशेंट होते हैं, उनकी भी इम्यूनिटी अगेन कम होती है, तो उनको भी ब्लैक फंगस और म्यूक्रोमाइक, या कह लो कि म्यूक्रोमाइकोसिस होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है। या जिनकी रिसेंट ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, या जिनकी अभी कोई सर्जरी रिसेंट हुई है, या फिर बॉडी पे कोई बर्न हुआ है या कट हुआ है और इंजरी हुई है और उसकी कंटेमिनेशन हो गई है ब्लैक फंगस से, तो उनको भी ये ब्लैक फंगस होने का डर काफ़ी रहता है। तो नेक्स्ट इस चीज़ का ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इसका, अगर आप सही टाइम पे चले जाएं डॉक्टर के पास, तो आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अगर शुरुआत में चल रहे हैं तो दवाइयों से काफ़ी हेल्प मिल जाती है, लेकिन जितने जितना आप डिले करेंगे तो ये डिजीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है ठीक करनी। एंड जो है इसका सर्जरी ही एक ऑप्शन बच जाती है। कई बार पेशेंट इतना लेट जाता है कि वो डिजीज़ सर्जरी की पहुंच से भी बाहर गई हुई होती है, एंड एंड रिजल्ट इज डेथ। सो टाइमली जाए अगर आपको कोई भी लंग्स, स्किन की या साइनस की कोई भी आपको प्रॉब्लम हुई है, तो आप एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, ताकि टाइमली अगर आपको ब्लैक फंगस की इन्फेक्शन हुई है तो वो डायग्नोज हो जाए एंड टाइमली उसका उसका ट्रीटमेंट हो जाए। एंड कैसे कर सकते हैं, तो आप अपना मास्क वियर रखें, ताकि जो जैसे आप कंपोस्ट वगैरह का काम कर रहे हैं, या सॉइल में कोई काम कर रहे हैं, या वुड के साथ कोई काम कर रहे हैं, मतलब जहाँ से भी आपको लगता है कि ये जो सोर्सेज हैं, जो जैसे कि बताए गए हैं जहाँ से ये इन्फेक्शन आता है, तो आप वहाँ पे अपना मास्क वेयर करके रखें, ताकि इन्हेलेशन के थ्रू, ब्रीथिंग के थ्रू वो ना जाए। एंड अपने कूलर्स, एसी वगैरह, इनको टाइम टू टाइम क्लीन करवाते रहें, ताकि उनमें भी कोई फंगस ना ड्रा के थ्रू आता है। तो कोई भी इंजरी स्किन पे, बर्न्स वगैरह, कट वगैरह कुछ भी हो है, तो टाइमली उसका ट्रीटमेंट लें। कहीं उसको उनमें इन्फेक्शन हो गई, फंगल इन्फेक्शन हो गई, तो देन इट कैन ऑल्सो हार्म यू। सो आप टाइमली अपना इंजरी का भी ट्रीटमेंट लें, इनकी कोई प्रॉब्लम का। हाइजीन का थोड़ा ध्यान रखें, ह्यूमिडिटी जैसे बरसातों में हो जाती है, तो तब ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। तो अपने हाइजीन का ध्यान रखें, साफ़ सफाई रखें, ताकि कहीं भी ये फंगस डेवलप ना हो जहाँ से आपके ये कांटेक्ट में आ जाए। तो एंड डायबिटीज़ अपनी जो है उसको कंट्रोल में रखें, क्योंकि डायबिटीज़ अगर बढ़ जाती है तो आपको ये इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। एंड अपनी डाइट ठीक रखें अपनी, ताकि आपकी इम्यूनिटी ठीक रहे। सो ताकि, क्योंकि वीक इम्यूनिटी में भी ये प्रॉब्लम होती है। रिगार्डिंग हाउ टू बूस्ट योर इम्यूनिटी विद राइट डाइट, आई हैव अपलोडेड वीडियो ऑलरेडी ऑन हेल्थ ब्लॉग, सो डू चेक दैट। सो लिंक उसका यहाँ आई बटन में दिया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, दैट्स ऑल।